उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया में श्री चैन राम बाबा के यहाँ श्री विष्णु महायज्ञ में काफी संख्या में भीड़ श्रद्धालु की देखने के मिले। इस अवसर पर बताधिक वृद्धान पंडित और प्रवचन कर्ता द्वारा ही भजन कीर्तन किया जा रहा। वहीं बद्री सेवा संस्था के संरक्षक नीरज सिंह गुड्डू ने बताया है कि आने वाले सभी श्रद्धालु श्री चैन राम बाबा का दर्शन करने के बाद ही भव्य मेले में लुत्फ उठा रहे। इस मेले में झूला, चरखे, चाट, छोले की दुकान सजाई गई है। विष्णु महायज्ञ के पुण्य हेतु भव्य भंडारे के साथ 1 अगस्त को होगा, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करने पहुंचेंगे। प्राइम डे के न्यूज श्रेणी के लिए सुरेंद्र कुमार गुप्ता, बलिया, उत्तर प्रदेश। आज कैसा मेला लगा है चैन बाबा? चैन बाबा मलमास में जब भी मलमास पड़ता है 3 सालों पे, तो यहाँ विष्णु महाश्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन होता है। ये एक कब कितने दिन से चालू है, कब समापन इसका है? ये 24 तारीख को जल भराई का कार्यक्रम था जो ऐतिहासिक हुआ। हजारों लोग जल भराई के कार्यक्रम में आए बने पुरुष, और ये 1 तारीख को पूर्णावती होगा। ये हर साल होता है? ये 3 साल पे होता है। वृंदावन से पधारे हुए रसलीला का कार्यक्रम है, संत महात्माओं के मतलब विहंगम दृश्य है चैन राम बाबा के यहाँ, और ये श्री ठाकुर जी चैन राम बाबा मठ के महंत श्री श्री 108 जी के नेतृत्व में ये यज्ञ हो रहा है। हम लोग उस मठ के सेवक हैं, उनका जो आदेश निर्देश जैसे भी होगा हम लोग तत्परता के साथ खड़ा रहने का काम करते हैं और सेवा करने का काम करते हैं। इस मेला का अवसर पर क्या कहेंगे पब्लिक से? जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं, चाहे माताएं, बहने, भाई, मित्र, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, मैं सबका अपने नगर में और इस चैन राम बाबा के प्रांगण में बाहर से आए हुए हर अतिथि का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। अपने नगर के लोगों का भी मैं स्वागत करता हूँ, और मैं यही कहूँगा सभी लोगों से, ये चाहे नगर के लोग हों, चाहे क्षेत्र के लोग हों, ये सारे लोगों का यज्ञ है। आज सारे लोग मिल करके इस यज्ञ को करते हैं और ऐतिहासिक होता है। शायद सारे लोग इसमें अपना 100% देने का कार्य करते हैं, चाहे निःशुल्क यहाँ सेवा की बात हो, चाहे लोगों की सेवा करने की बात हो, हर लोग अपना 100% देने का काम करते हैं। और तो सब चैन राम बाबा का आशीर्वाद से ही हो रहा है। चैन राम बाबा के आशीर्वाद से ऐतिहासिक यज्ञ होता है, इसमें हो रहा नहीं है कि पूर्वांचल में इतना बड़ा यज्ञ कहीं हो रहा होगा, होता होगा। और पूर्णावती के दिन तो प्रसाद के एक टुकड़ा के लिए आप आएंगे, उस दिन भी देखिएगा ऐतिहासिक भीड़ होती है। और ये सब चैन राम बाबा की कृपा है। ठाकुर जी चैन राम बाबा के महंत राजेश दास जी का आयोजन है, हम लोग इसमें सेवक हैं। ऐतिहासिक चैन राम बाबा के आशीर्वाद से कार्यक्रम होता है, और हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि ये यज्ञ हर घर में सुख समृद्धि श्री विष्णु महायज्ञ के जितने दूरी तक इनका महिमा मंडित होगा, हर घर में सुख समृद्धि आएगा। यही श्री विष्णु जी से और चैन राम बाबा ठाकुर जी से यही हमारी भंडारा के शुभ अवसर पर क्या कहेंगे? भंडारा के शुभ अवसर पर यही कहूँगा कि प्रसाद हर व्यक्ति के लिए यहाँ प्रसाद मुफीद रहता है, और मैं पूरे क्षेत्र ही नहीं, पूरे जिले ही नहीं, पूरे प्रदेश में सबसे ही आग्रह विनती निवेदन करता हूँ, 1 तारीख को भंडारा में आकर के